राम राम सभी को। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कढ़ाई के सुंदर सुंदर डिज़ाइनों के सूट। इसमें हमारे रहेगा सिर्फ घेरा और बाजू। ये देखिए, ये देखिए पूरी लुक, घेरा और बाजू का हमारा सूट रहेगा। ये डिज़ाइन देखिए, ये देखिए ग्रे कलर का ये सूट है। रानी कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर और ब्लू कलर से हमने इस पर कढ़ाई की हुई है। 700 रुपये का ये फैब्रिक है और 300 रुपये की ये कढ़ाई है। 1000 रुपये में ये आपका सूट तैयार हो जाएगा पूरा। 1000 रुपये में ग्रे कलर का ये हमारा सूट रहेगा। आप फिनिशिंग देख सकते हैं, काम देख सकते हैं। सेकंड सूट रहेगा हमारा घेरे बाजू का। ये देखिए, ये भी हमारा घेरा बाजू है। ये प्याजी कलर का हमारा सूट रहेगा। येलो कलर, पेट्रोल कलर और वाइट कलर से हमने इसमें घेरे बाजू पे बेल बनाई हुई है। ये भी आपको 1000 रुपये में रहेगा। 700 रुपये का कपड़ा, रशियन का कपड़ा रहेगा हमारा और 300 रुपये की हमारी कढ़ाई। ये हमारे कस्टमर ने दो दो पीस सेम बनवाए हैं। ये देखिए, ये रस्ट कलर पे है। इसमें कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफर कर दिया हमने, वाइट, येलो और पेट्रोल कलर से घेरा बनाया है। प्राइस वही रहेगा 1000 रुपये, 700 रुपये का कपड़ा और 300 रुपये की ये हमारी कढ़ाई रहेगी। देखिए फिनिशिंग देखिए आप, देखिए ये देखिए। नेक्स्ट सूट हमारा रहेगा पैरेट कलर पे। ये हमारी बाजू रहेंगी, इसमें मिरर भी लगे हुए हैं। रानी कलर और डार्क बॉटल ग्रीन से हमने वर्क किया हुआ है। ये हमारा घेरे का पोर्शन, ये इसकी देखिए, ये घेरा और बाजू। लास्ट सूट भी हमारा सेम पैरेट कलर पे रहेगा, वही घेरा और बाजू। ये भी आपको 1000 रुपये में पड़ेगा। 700 रुपये का हमारा कपड़ा रहेगा और 300 रुपये की ये हमारी कढ़ाई रहेगी। ये देखिए, अगर आपको इनमें से कोई भी डिज़ाइन पसंद आता है, सूट पसंद आता है, कलर पसंद आता है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे डाल के अपने ऑर्डर को हमारे पास नोट करवा सकते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। विद इन 7 डेज में आपको सूट रेडी होकर मिल जाएगा। कपड़ा, कपड़े में, कढ़ाई में किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कपड़ा भी A1 क्वालिटी का है और कढ़ाई आप खुद देख ही सकते हैं। आपको नज़दीक से मैं फिनिशिंग दिखा रही हूँ। आपको मेरी वीडियो, मेरी कढ़ाई और फैब्रिक अगर मेरा पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।